जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है, मतलब मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। It is well settled principle of law that stay of conviction is not a rule but an exception to be resorted in the rare cases. Disqualification is not a limited only to MP and MLA. Moreover, as many as 10 criminal cases are pending against the applicant. It is now need not for the hour to have purity of the politics. बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जुड़े एक विवादित बयान दिया था। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने ही राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा भाषण किया गया। उन्होंने बताया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, पूरे भारतवर्ष में तेली, साहू, राठौड़, मोदी बहुत बड़ी मात्रा में हर एक स्टेट में आबादी है, समाज है, हमारी ज्ञाति भी मोदी है, हमारे नामधारी भी मोदी है, अटकधारी भी मोदी है, ऐसे करोड़ों लोगों। तो हमने वहां सूरत की कोर्ट में समाज का अपमान, मोदी का अपमान, मोदी सरनेम का अपमान जो किया, उसके सामने हमने वहां कोर्ट में हमारा मुकदमा पेश किया। देखा जाए तो राहुल गांधी अब इस केस में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के केस में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल को खूब लताड़ लगाई। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी की गई है वो बहुत ही दुखद है, उसमें विनम्रता का अभाव है। उसको कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है, किसकी कॉन्स्पिरेसी? तीन तीन कोर्ट के फैसले आए ना, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आप कन्विक्शन को स्टे कराने सेशंस कोर्ट में गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के ये 125 पेज का फैसला मैंने पढ़ा है जिसमें पाया कि राहुल गांधी आदतन इस तरह की गैर जिम्मेदारना अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। वीर सावरकर को भी कैम्ब्रिज में इंसल्ट किया तो उनके पोते ने पुणे में केस किया है, लगभग 10 केस करने हैं उनके खिलाफ। तो आप किसी को कुछ बोलेंगे और कोई अपने सम्मान बचाने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा, इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है? राहुल गांधी आदतन इस तरह की बात करते हैं, हाँ तो कानून तो अपना काम करेगा, तो उसको लेके कोई कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है? तो इस तरह की बात जो कांग्रेस ने कही है तो विनम्रता का अभाव है। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए बहुत कुछ लिखा। इतना ही नहीं, इस जंग में कई और कांग्रेस नेता कूदे जो राहुल गांधी का बचाव करते दिखे। सच्चाई को आप जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ताकत से ही उभरती है। राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ सालों में ये दिखाया है कि पूरे देश में विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी आवाज है, जो जनता की तरफ से सबसे बड़ी आवाज है, उस आवाज का नाम राहुल गांधी है और वो इस तरह की किसी भी सजा से डरने वाली आवाज नहीं है। राहुल जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, मणिपुर का चाहे मुद्दा हो, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सरकार की मंशा हमें पता है, सरकार राहुल गांधी जी की आवाज को खामोश करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस तरह के फैसलों से डरने वाले नहीं हैं। एक तरफ जहां बीजेपी से सत्य की जीत बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसके विरोध में है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अब अपनी रिहाई के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।